जहां एक ओर बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है, वहीं अब सुक्खू सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सीएम सुक्खू के एडवाइजरों से लेकर तमाम मंत्रीगण बयानों के जरिए बीजेपी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। प्रदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एक नाता रहा है धर्म के ऊपर राजनीति करना, जात पात के ऊपर राजनीति करना, धर्म की भावनाओं से समाज से खिलवाड़ करना। कोई भी अपराधी किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, लेकिन अपराध की भावना से समाज को ग्रसित करते हुए एक गलत धारा से लोगों की भावनाओं से खेलना, इसकी हम निंदा करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के समाज से, चंबा के समाज से विनती करते हैं कि इस घोर कृत्य के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उससे बचें और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। उसमें पुलिस विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि सर आप जाएं, लेकिन एक सीमा है, धारा 144 है। आप चार पांच लोग जो जाना चाहते हैं, हम आपको नहीं रोक रहे। मंशा क्या है कि आप जाना चाहते थे, उस परिवार को मिलना चाहते थे, या इस घटना को केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से इसको जो है एक मुद्दा बनाना चाहते थे? ये हमारा सवाल है कांग्रेस पार्टी का। क्या आप जिम्मेवार व्यक्ति रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं? ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसा माहौल होता है, ये सबकी जिम्मेवारी होती है कि हम अपने प्रदेश में जो है अमन और शांति बनाए रखने के लिए सबका सहयोग हो।